बैठक रखी कि बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है जी? आज जिला ऊना में करुणा मूलक संघ हिमाचल प्रदेश की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एज स्टेट प्रेसिडेंट मैंने खुद इस बैठक में भाग लिया। और आज जितने भी जिला ऊना के करुणा मूलक परिवार थे उनकी व्यथा सुनी, और साथ में क्योंकि प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में अनाउंसमेंट करी विधानसभा सत्र के दौरान कि जितने भी हमारे 3000 के आसपास करुणा मूलक परिवार हैं सबको एक मुश्त नौकरियाँ दी जाएंगी। पर हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दी कि जो करुणा मूलक परिवारों की जो एक विधवा महिला है उसकी पेंशन के ऊपर जो है थोड़ी बहुत कटौती की जाएगी और साथ में आश्रित को नौकरी दी जाएगी। तो साथ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को पेंशन पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने OPS बहाल करी है। हम ये चाहते हैं कि जो विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन के ऊपर कैंची ना चले और साथ में करुणा मूलक नौकरियां भी बहाल हों, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में विधानसभा में अनाउंसमेंट करी कि योग्यता के आधार पर जो है नौकरियाँ बहाल की जाएंगी, और हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि संगठन ये भी डिमांड करता है कि समस्त परिवारों को जब नौकरियां दी जाएंगी तो उनकी माताओं की पेंशन के साथ जरा भी छेड़छाड़ ना हो, और अगर सरकार इस चीज़ को ये करती है तो संगठन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करेगा और ढोल नगाड़ों के साथ इस चीज़ फैसले का स्वागत किया जाएगा। और मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि जो 7/3/2019 की पॉलिसी है सरकार उसके ऊपर मंथन करे और उसके ऊपर ही जो चेंजेस संशोधन करना है उसी के ऊपर करे, क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ी खामी जो है मेन आय सीमा है 2.5 लाख रखी गई है और उसमें एक व्यक्ति सालाना परिवार मेंबर पर फैमिली मेंबर में जो बांटा गया उस चीज़ को हटाए सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बार को उठाया जाए ताकि समस्त परिवार जो है उनको नौकरी मुहैया हो सके। और साथ में पिछली सरकार के दौरान जो है एक 22 सितंबर 2022 एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, हम ये चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो और साथ में क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो है जब तक विड्रॉ नहीं होगी किसी को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो और साथ में 5% कोटे की सीलिंग हटे और साथ में योग्यता के अनुसार जो है नौकरियाँ दी जाएँ, और जिस किसी विभाग में खाली पोस्ट नहीं है उनको किसी और डिपार्टमेंट में सफल करके मर्ज करके जो है उनको नियुक्तियाँ दी जाएँ। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ के ऊपर जो है रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी मेंबरशिप में उनकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाई है उसमें जो है सरकार करुणा मूलक संघ के जो 2 या 3 राज्य कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं उनको वार्तालाप के लिए बुलाए और हमारे सुझावों के तहत जो है पॉलिसी मंथन पर जो है पॉलिसी पर मंथन किया जाए, साथ में जो चेंजेस सरकार करने जा रही है उसके ऊपर जो है एक फैसला हो सके ताकि करुणा मूलक परिवार भी निराश ना हो और जो एक विधवा महिला है जिसने अपना सुहाग खोया अपना कमाने वाला खोया है उसकी पेंशन के ऊपर भी कैंची ना चले, क्योंकि उस महिला का जो है उसके परिवार में एक बेटा है 2 लड़कियां हैं, एक बेटे को तो नौकरी दे रही है लेकिन अपनी लड़कियों को कैसे पढ़ाएगी, उनकी शादियां कैसे करेंगी, उनका पालन पोषण कैसे करेंगी, सरकार को इसको इस चीज़ को भी देखना होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी हर एक चीज़ के ऊपर मंथन करे और जल्द से जल्द जो पॉलिसी लाने के ऊपर सरकार सोच रही है उस चीज़ के ऊपर सरकार फाइनल मोहर लगाए और नवंबर दिसंबर के आसपास हमारी जो नियुक्ति हैं वो सरकार करना शुरू कर देगी।